हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में, जिंदगी सारी शुरुआत के साथ। और जैसे कि आपको पता था, कल भाभी और आए थे घर, तो आज वो जा रहे हैं। मैं तो बोल रही थी रुक जाओ रुक जाओ एक दो दिन, लेकिन फिर कहते बच्चे के स्कूल है। अब भाई ये बच्चों के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, एकदम से बोल नहीं सकते हम कि रुक जाओ, है ना। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ उनके लिए, और नाश्ते में बना रही हूँ घर का गर्मा गर्म पराठे। और चलो अभी नाश्ता वास्ता बनाते हैं। और पहले उनका प्लान था कि 7 बजे की गाड़ी में जाएंगे, लेकिन अब उनका अचानक प्लान बन गया कि 9 बजे वाली गाड़ी में जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। वैसे तो मैं उठ गई थी सवेरे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना, वरना आग बक्स ही लग जाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे ऐसे हो जाता है, मैशअप हो जाता सब कुछ। लेकिन ऐसे मुझे ऐसा है कि चल कोई नहीं, आराम आराम से होता रहेगा काम। तो सबसे पहले बनाते हो पराठे और उनको नाश्ता करवाते हो। तो हमारा नाश्ता बन गया है, और मेरा डॉन देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। डॉन क्या कर रहे हैं यार? तो ब्लॉगर का बेटा यार, जरा कैमरा में देख यार, क्या देख यार, इतना वो भाव मत खाया कर यार। इधर देखो अपने पापा भी गया है। एक मिनट को देखो, मैं कितना हंसती खेलते रहते हो, कितने सीरियस बन रही है सारे। देखो देख के भी इग्नोर किया ना, इसका मन नहीं करता। देखो देखो उसको। तो चलो पराठे बन चुके हैं, मैं चाय बनाती हूँ फटाफट। पहले मैं पूछ रही थी भाभी और को, मैंने कहा तुम लोग लस्सी पियोगे परांठों के साथ कि वो चाय? तो भाभी ने कहा कि परांठों के साथ चाय बना दे, क्योंकि लस्सी हम लेके जाएंगे। मैं कहा चलो वो भी ठीक हो गया। चलो 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 मम्मी चलो, मैं पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों भाई और भाभी दोनों के दोनों जाने वाले लग गए, मतलब जाने वाले के जाने लग गए। हमने कितना रुकने की कोशिश की, मैं कहा रुक जाओ, बट अब भाभी कह रही जून के टाइम जाएगी भाभी। तो चलो जून का इंतजार करेंगे, बाकी गाड़ी ऊपर खड़ी हो रखी है, तो भाग भाग के जाना पड़ेगा। ये देखो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, और फौजी आपने देखो भाई साहब ऐसे भागते हैं, और फौजी ने ऐसा। गाइस रोड में हम आ गए हैं, और चाचू ने गाड़ी साफ कर रखी, लेकिन पता नहीं चाचू कहाँ घूम हो रखे खुद, जिन्होंने लेके जाना है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कचर वचर ले रहे हैं गाड़ी के लिए, और वो पराठा पे प्यास लगी, बस ना आ गया। नहीं बोलते मोटा नहीं होगा, देख लो भाई मोटा होगा एकदम से, हो गया ना मोटा, उनको बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया। यहाँ पे अब ना माल्टे का जूस वगैरह बनने लग गया है। हटियो दिखाई, ये पता नहीं कब खुला, मुझे पता नहीं चला, मैं माइके जा रही थी सब खुल गया होगा। आओ जी, कितना टाइम हो गया इसको खुले हुए? जनवरी से। और भाभी ने ध्रुवी के लिए ये देखो लॉलीपॉप दी। चिकू अब कब आओगे आप घर? घर घर तो बहुत जल्दी आ जाऊंगा, जून में आना ठीक है? वेकेशन में आएंगे हम, है ना? पक्का? ब्रांस का हो गया, माल्टा का हो गया, नींबू का हो गया, पुदीना का हो गया, और ये गुलाब का भी बना रहे हैं। गिलोय हो गया, गिलोय का तो बहुत अच्छा है। नींबू का ले लेते हैं, गेहूं में पी लेगा, है नींबू वाला ले लें। चल तारा ठीक है ना? गाड़ी भी चली गई भाभी और की, और पास चली गई है, अब हम भी चलते हैं घर। और चल कर लो चलते हैं, गाड़ी उधर से जानी है, मतलब वो पौड़ी साइड से जाएंगे ना, श्रीनगर वाले उधर से जाते हैं, पौड़ी वाले उधर से जाते हैं, तो उधर से जाएंगे। गाइस मैं भी ऊपर आई थी चाचा के घर पे, और मेरे चाचा का देखो क्या हाल हो गया, बर्तन बर्तन धो रहे हैं चाचा।
यही होता है देख लो भाई, चाचा की भी याद आएगी। यहाँ बर्तन बर्तन धुल रहे मस्त। अच्छा अच्छा कैसा लगा बर्तन धुल के? नमस्ते चाचा। चाचा बर्तन धुलोगे और क्या, करनी पड़ेगी ना। अरे आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, दर्शन भी नहीं दिखा रहे। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आपको लग रहा होगा मैं रेडी क्यों हो रखी हूँ, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास थोड़ा सा, क्योंकि जब से दुर्वी हुआ मैं डेली चेकअप वगैरह नहीं करवाया मैंने, तो थोड़ा सा जब चेकअप वगैरह करवा लेते थोड़ा सा मन को तसल्ली मिल जाती कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा डेली चेकअप वगैरह करवाना है और साथ में क्या बोलते हैं कुछ सामान वगैरह लेके आना था, तो वो भी ले आएंगे। और मेरे को लग रहा है कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरे स्पेक्स वगैरह है मेरे को, मैं फ़ोन वगैरह जब एडिटिंग वगैरह करती हूँ या कुछ फ़ोन का कुछ काम करती हूँ जैसे, तो फिर मेरे को दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता। तो नॉर्मल सी बात है, कम तो नहीं हुआ होगा वैसे, बड़ा ही होगा मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही वो हो रहा है क्या। जब मेरा जैसे मेरे आँखों का नंबर बढ़ता, वैसे हमेशा का है जब भी साल में या छः महीने में मेरा चश्मों का नंबर बढ़ेगा वैसे ही मेरा यहाँ दर्द होता है यहाँ पीछे, थोड़ा सा वो चेक करवाऊंगी और देखते हैं चश्मे बदलते हैं कि क्या होता है, देखते हैं क्या होगा। तो अभी ध्रुवी को मैंने नहला दिया, उसको सुला दिया, खिला पिला के सुला दिया है, तो वो अब आराम से उठेगा, उसका टाइम है लगा लो। अभी टाइम कितना हुआ है, अभी 10 बज रहे हैं, तो 12 1 बजे तक उठेगा वो, तो 1 बजे तक उठेगा, फिर मम्मी और आ जाएंगे तब तक। तो दादी जो है ही उसके पास क्या, तो मम्मी भी पास में ही जा रही है ताकि जल्दी घर पर आ जाएँ, और बाकी दाल वगैरह में रख के चली गई हूँ, सिर्फ खाना बना सिर्फ चावल बनाने हैं, और बाकी तब तक मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ से वैसे तो मैं सोची थी मैं अकेले चल जाऊँ, बट आजकल क्या है कि बाघ वगैरह का डर है तो नहीं जाया जाता अकेले, तो मैं कन्नू को लेके जा रहा हूँ अपने साथ, बाकी मार्केट में मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाएगी। तो चलो निकलते हैं, मैं तो तैयार हो गई, देखते हैं देवर जी हुए कि नहीं हुए। तो मैं तो निकल गई हूँ क्योंकि धीरे धीरे पहुँचने में ऊपर टाइम लगेगा रोड तक पहुँचने में, तो मैं कहा देवर जी आ जाएंगे कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, वो तो भाग के आता है तुरंत, उसको थक वक नहीं लगती, लेकिन मेरे को थक लगती है, तो मैं आराम से निकलती हूँ। और बैग लेके आने को बोला नहीं मैंने, पता नहीं लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, ऐसे तो मम्मी को बोल दिया। तो दोस्तों हम घर से निकल गए हैं और हम चलते हैं सीधा श्रीनगर। तो घर से तो हम आगे देखे हैं बट मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया, और हमारे यहाँ की रोड देखो दोस्तों कितनी साफ सुथरी रोड है, बिल्कुल मतलब अच्छी, बिल्कुल साफ क्लीन। यहाँ से मंत्री वगैरह जाते रहते हैं ना श्रीनगर से फिर से, इसलिए यहाँ की बीच की रोड बहुत अच्छी है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर मैं अपने मायके साइड की रोड दिखाऊंगी, जहाँ मेरा मायका है मतलब इधर पाबू साइड, तो उधर की रोड भी इतनी गंदी हालत हो रखी है, क्योंकि वहाँ कोई नेता वेता कुछ नहीं जाता, बोला था मुझे कमेंट में लगा दिया गाइस वीडियो लगा दी। नहीं नहीं गाइस ये देखो रियल कैमरे से वीडियो बन रही है। दोस्तों हम अपना काम निपटा के आए थे और कौन जो हो यहां पे, चले गए मोमोज खा रहा। भाई बस एक मिनट खड़ा रह गए थे, बार-बार फोन किया तो मोमो खत्म आए नहीं। यहां पे मोमो खा रहा, मेरे को देख फोन नहीं आया, साफ उसके बाद मैं दिखाता हूं। इतने तारा इतने टाइम बाद में सोचा कि बहुत अच्छा
अच्छा लग रहा ना, सूप अच्छा होता नहीं हम लोग टेस्ट करते लोग बनाते हैं, मैं तब तक सूप टेस्ट करती हूँ सूप कैसा हो रहा है, लेकिन मुझे सूप ही पसंद आएगा, मोमोज मुझे कुछ खा सकते हैं साफ और सीधी बात। सूप मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हमारे खाने भी आ चुके हैं यहाँ पे, मैंने ये मंगवाए थे, मुझे फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ के, और साथ में चटनी आई है, साथ में ये है। यहाँ पर भी सर मैं ही कर रही हूँ, इससे मुझे फील होता है कि यस मेरी शादी हो रही है और मैं एक खुशहाल गृहिणी बन गई हूँ। बस इतना ही बन गई हूँ, मैं नहीं बनी हूँ कहीं नहीं बनी, मतलब आज बिल्कुल देख रही है यार, मैं पता सच में मिस खाना भी कर दी ना, मैंने सही है यार, जहाँ हमारी फैमिली अच्छी हो तो ऑब्वियसली बात है यार, तो है ना, मुझे भी अच्छा लगता है अपने हिसाब से पूरा कटोरा खा सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा, बहुत खुश है यार, है ना, अच्छा लगता मुझे, है ना। पहुंच चुके हैं और काफी सामान ले आए हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगी घर जाके कि इतना सामान है क्यों लेके आए हम। वहाँ से आके हम थोड़ा सा खेत में आ गए और इसकी जिद थी कि मेरे को खेत में लेके जाओ, अब तो हमारे वैसे सारा काम हो ही गया था, गेहूं वगैरह सब कट गए थे, लेकिन चाचा मुझे वहां से देख रहे हैं, लेकिन इसका मन था बहुत ज्यादा कि गेहूं काटने, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आई, और वहाँ देखो काट रही है लड़की, सीख रही है धीरे धीरे, मेरे चार चलन में रह के लड़की सीख रही है काम। हमने यहाँ पे गेहूं वगैरह हमने कट कर दिए थे, बाकी मम्मी लेके जा रही लुटकी जो हमने काटे हुए थे, मम्मी उसको घर तक जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये चाचा रुके, देखो कितने सारे अनार लग रखे हैं यहाँ पे, मटर निकालने को, इसको मटर निकालने देखो, ये बीच बीच करके निकाले पूरी बेल खींची मैडम ये पूरा, अच्छा हाँ ये घास के लिए हो जाता ना जानवरों के लिए, पूरी खींच पता होना था। तो दोस्तों ये मैं निकाल रही हूँ इसके बीच में से मसूर, मसूर की दाल तो आपने देखी होगी, ये होती है इनसे निकलती है मसूर की दाल, इसको सुखाना पड़ता है, फिर डंडी से कूटना पड़ता है, फिर इसके बीज अलग होते हैं, और मसूर का वैसे सीजन खत्म हो गया है, पहले ही निकल जाती, सबसे पहले मसूर ही निकलती, लेकिन हमारे यहाँ लेट बोई थी हमने मसूर, तो काफ़ी देर तक रह गई है, तो ये कुछ इस तरीके से मसूर और मटर पहले निकालने का रीज़न ये है क्योंकि जौ और सब मिक्स हो रखे हैं, अगर मसूर और मटर पहले निकल जाएंगे ना तो जौ आसानी से कट जाते, वरना सब इकट्ठे हो जाते, और दादी को गुस्सा आता घर में जाके कि सब तुमने क्या कर खाया मैशअप।